तो बच्चों आज हम जो नया चैप्टर चालू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। सिंपल सा मतलब है राष्ट्रीय आय निकालने की कौन कौन सी विधि है। ये चैप्टर तो वैसे लॉन्ग होने वाला है लेकिन इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे हम। तो मैं तुम्हें बता दूं राष्ट्रीय आय निकालने की जो विधियां है, जो तरीके है, राष्ट्रीय आय निकालने के तीन ही तरीके। जो पहला तरीका है उसका नाम है उत्पादन विधि, जो दूसरा तरीका है उसको बोलते आय विधि, और जो तीसरा तरीका है उसको बोलते व्यय विधि। अब उत्पादन विधि हमेशा आय विधि के बराबर होती है और आय विधि व्यय विधि के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है हम लोग ये समझते हैं। मान लो एक फर्म है, वो जितना भी प्रोडक्शन करती है, इसका मतलब वो जितना भी उत्पादन करती है, वो जितने का उत्पादन करेगी उतना ही तो उसकी आय होगी। इसका मतलब प्रोडक्शन हमेशा किसके इक्वल होगा, इनकम के। भाई जितने का बिजनेस करेगी उतनी ही कमाएगी वो। अब जितना इनकम होगी उतना ही तो खर्च करेगी। इसका मतलब इनकम हमेशा किसके इक्वल होती है, एक्सपेंसेस के। आय हमेशा किसके बराबर होते हैं, व्यय के बराबर होते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना हमारा उत्पादन होगा उतनी ही हमारी आय होगी, और जितनी हमारी आय होगी उतनी हमारे खर्च होंगे। तो तीनों इक्वल हुए तो इसका मतलब राष्ट्रीय आय निकालने के लिए चाहे उत्पादन विधि का इस्तेमाल किया जाए, चाहे आय विधि का इस्तेमाल किया जाए, चाहे व्यय विधि का इस्तेमाल किया जाए, तीनों से राष्ट्रीय आय सेम आती है, एक जैसी आती है, क्योंकि तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन तीनों से राष्ट्रीय आय निकालने के तरीके बिल्कुल अलग है, जिसकी बात इस चैप्टर में हम लोग करेंगे एक एक करके। उन तीनों में से जो पहला मेथड होता है उत्पादन विधि, अब उसको अच्छे से समझेंगे। उत्पादन विधि का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम लोग मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे मूल्य वृद्धि विधि बोले चाहे उत्पादन विधि बोले, दोनों का मतलब सेम रहेगा। अब उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालनी है, कैसे निकालेंगे, क्या है इसकी मीनिंग, तो समझते। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। अब उत्पादन विधि से हम राष्ट्रीय आय सीख रहे थे, तो उत्पादन विधि से हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जितने भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक अच्छे से हम पढ़ चुके हैं किसे कहते हैं, तो जितने भी उत्पादक होते हैं उनके द्वारा जो भी मूल्य वृद्धि की गई है उनके जोड़ से ही क्या निकाली जाती है भाई, राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में उत्पादन विधि में उत्पादकों से जितनी मूल्य वृद्धि की जाती है उसके द्वारा ही राष्ट्रीय आय निकाली जाती है, तो इसी को उत्पादन विधि कहते हैं हम। अब ये जो मूल्य वृद्धि है इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख दिया मैंने मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला होता है अंतिम उत्पाद में से माइनस कर दो मध्यवर्ती उत्पाद। ये होता है मूल्य वृद्धि का फॉर्मूला। अब ये अंतिम उत्पाद क्या है और मध्यवर्ती उत्पाद क्या है, इसका डिस्कस हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। बस ध्यान रखो अंतिम उत्पाद में से मध्यवर्ती उत्पाद को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा, मूल्य वृद्धि। और जितने भी उत्पादक हो सभी उत्पादकों की मूल्य वृद्धि को जोड़ दो तो वो उत्पादन विधि बन गई, और उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय बन गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सभी को कि उत्पादन विधि में जितने भी उत्पादक होते हैं उनकी मूल्य वृद्धि को जोड़ के राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो ये तो हमारा क्लियर है कि उत्पादन विधि से राष्ट्रीय आय निकालते कैसे। लेकिन राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले हमें जीडीपी निकालनी पड़ती है। तो यहां मैंने लिखा है जो अगली हेडिंग है उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जीडीपी। भाई ये जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादन विधि में जीवीए भी बोला जाता है। जीवीए का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, सकल मूल्य वृद्धि। तो दोनों सेम होता है, यहां मैं लिख देता हूं जीडीपी बराबर होता है जीवीए। कौन सी विधि में, उत्पादन विधि में। उत्पादन विधि में जीडीपी बराबर होता है जीवीए। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जीडीपी कैसे निकालनी है। तो जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। अगर उत्पादन विधि से जीडीपी या जीवीए निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले यहां पे हमने लिख दिया अंतिम उत्पाद। अब अंतिम उत्पाद का मतलब ये समझ लेंगे, बिक्री को कहते हैं, कंपनी जितनी की सेल करती है वही उसका अंतिम उत्पाद है। इसमें से माइनस कर देंगे मध्यवर्ती उत्पाद, मध्यवर्ती बताने की जरूरत नहीं है, प्लस यहां से मिटा देता हूं, यहां लिख देंगे प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन। ये तीन चीजों को जोड़ते ही कंपनी मतलब उत्पादन विधि से क्या निकल के आ जाएगी, जीडीपी निकल के आ जाएगी। दोबारा बताता हूं, अंतिम उत्पाद उसमें से मध्यवर्ती उत्पाद घटा दो और स्टॉक में परिवर्तन को जोड़ दो तो जो भी निकल के आता है वो हमारा जीडीपी या जीवीए होता है उत्पादन विधि द्वारा। पॉइंट में हम ये पढ़ने वाले हैं अब उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कैसे निकाले।
सबसे पहले ये समझो राष्ट्रीय आय को कहा जाता है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब राष्ट्रीय आय ही होता है। हमें उत्पादन विधि मतलब प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखना है, तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें जीडीपी या जीवीए निकालना है। अब जीडीपी या जीवीए क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला, तो उस वैल्यू से जितना भी कैलकुलेट करके जीडीपी निकले वो अमाउंट आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो बेटा जीडीपी या जीवीए पीछे अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूले से जीडीपी निकाल लेंगे। अब जीडीपी में से अगर मान लो डेप माइनस कर दिया जाए, तो भाई जीडीपी जीडीपी में से ये मान लो ग्रोस में से डेप गया, तो ये बन जाएगा एनडीपीएमपी। जीडीपी में से डेप माइनस करा वो क्या बन गया, एनडीपी। अच्छा एनडीपी में एनएफआईए जोड़ दिया, तो भाई देखो एनडीपी में एनएफआईए जोड़ोगे तो वो बन जाएगा एनएनपीएमपी बन जाएगा। लेकिन हमें तो राष्ट्रीय आय निकालनी है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनएनपीएफसी। तो इसी में से माइनस कर देंगे एनआईटी, तो एनआईटी माइनस करते ही जो बचता है वो लास्ट में बन जाएगा एनएनपीएफसी। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सिंपल तरीका है उत्पादन विधि से। सबसे पहले जीडीपी निकालो, फिर डेप माइनस करो, फिर एनएफआईए जोड़ दो, फिर एनआईटी लेस कर दो। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करने के बाद जो बचेगा वो क्या होगी, एनएनपीएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय होगी। इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना हो फॉर्मूले को, तो ऐसे लिख सकते हम कि एनएनपीएफसी मतलब कि राष्ट्रीय आय। अगर मुझे राष्ट्रीय आय निकालनी है तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा, वो बन जाएगा जीडीपीएमपी। मतलब पहले तो जीडीपी निकाल लेंगे, अब जीडीपी में से माइनस कर दिया डेप, डेप में से माइनस कर दिया एनआईटी, एनआईटी में प्लस कर दिया एनएफआईए। इन सबको प्लस माइनस करके जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगी, राष्ट्रीय आय निकलेगी। कौन सी विधि से, उत्पादन विधि से। अब ये जो जीडीपी है इसी को ध्यान से समझना आपको, क्योंकि जीडीपी निकालने के तरीके बदल जाएंगे बार बार, लेकिन जीडीपी में से डेप और एनआईटी माइनस करने के बाद एनएफआईए जोड़ते ही वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रीय आय बन जाएगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है उत्पादन विधि से अगर हम लोग राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। मतलब अगर मैं उत्पादन विधि से नेशनल इनकम निकालूंगा तो मुझे क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, इस बात का अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने बातें लिख दी है कि जो कौन सी जोड़ी जाएगी और कौन सी नहीं जोड़ी जाएगी। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे अंतिम उत्पाद को राष्ट्रीय आय के उत्पादन विधि में शामिल करना ही होगा। कोई भी अंतिम उत्पाद उसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा, लेकिन कोई भी मध्यवर्ती उत्पाद है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना। तो ये गलती हमें नहीं करनी, अंतिम उत्पाद को शामिल करेंगे, मध्यवर्ती उत्पाद को शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा मान लेते हैं कोई पुरानी वस्तु है, जैसे एक मोबाइल है, वो मोबाइल ए से बी को बेचा गया और बी से सी को, सी से डी को बेचा गया। तो ये मोबाइल तो कई बार बेच दिया, अगर ये मोबाइल 5-6 अलग अलग कीमतों में बेचे जाते तो इनकी कीमत तो मोबाइल की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए पुराने वस्तु के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करना, लेकिन पुरानी वस्तु के क्रय विक्रय पे जो कमीशन मिलता है बेचने वाले को उसको इसमें शामिल करना है। ये बात समझ में आ गई, तो हमें ये ध्यान रखना है अंतिम उत्पाद को शामिल करना है, मध्यवर्ती को शामिल नहीं करना है, पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय को शामिल नहीं करना है, लेकिन पुरानी वस्तुओं से मिलने वाले कमीशन को उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उत्पादक अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कोई सामान को ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन है, मान लो मेरी कंपनी है मार्कर बनाने की और मैंने 20 मार्कर खुद के यूज के लिए ले लिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, क्योंकि वो एक प्रोडक्शन का पार्ट है, तो स्वयं उपभोग को शामिल किया जाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि मकान मालिकों के पास मकान होते हैं, उसमें वो खुद रहने लगते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है जिन्हें मकान मालिक खुद रह रहे हो, तो उसका किराया भी किसमें शामिल किया जाएगा, राष्ट्र, उनका किराया भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। तो इन चीजों को शामिल करना है और इसे शामिल नहीं करना। जो अगला टॉपिक है वो है हमारा दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग। अभी डबल काउंटिंग क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, डबल काउंटिंग, डबल मतलब तो दो होता है ना। तो भाई जब हम किसी भी वस्तु के मूल्य को दो या दो से ज्यादा बार राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं तो उसी को दोहरी गणना कहते हैं। मान लेते हैं मैंने एक मोबाइल बेचा, ए से बी को बेचा, ए ने बी को मोबाइल बेचा 10,000 का। अब ये बी ने सी को मोबाइल बेच दिया 9,000 का। अब ये जो मोबाइल की वैल्यू थी ये भी उसने राष्ट्रीय आय में जोड़ दी, और इसने इसको माल बेचा 9,000 का, ये भी राष्ट्रीय आय को जोड़ दिया। 10 और 9 कितने का मोबाइल हो गया, 19,000। लेकिन जो मोबाइल की एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी सिर्फ 12,000। अब यहाँ हमने कितने जोड़ दिए, 10 और 9 19,000 जोड़ दिए, तो
प्रोडक्शन तो 12,000 वाला था ना, लेकिन एड कितना हो गया 19,000। अब यही नहीं, ऐसा भी हो सकता है सी डी को दे दे और फिर ये मान लो 5,000 का इसको भेज दे, तो यहाँ पे 5,000 हो गया। तो भाई ये तो बार बार काउंट हो रहा है ना राष्ट्रीय आय में, तो बार बार काउंट होने का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा बार किसी चीज की वैल्यू को राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया ना यहाँ पे 4 बार जोड़ दिया, तो जब दो या दो से ज्यादा बार राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है तो उसी को हम दोहरी गणना कहते हैं, डबल काउंटिंग, बार बार उसे जोड़ दिया। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लो हमारा प्रोडक्शन है 12,000 का, लेकिन इन सबको जोड़ने के बाद प्रोडक्शन कितने का आ जाएगा, 10, 9, 19, 19 और 5, 24, तो ये निकल के आएगा 24,000 का। देखा जाए तो प्रोडक्शन तो डबल बढ़ गया, वो तो गलती की वजह से हुआ ना कि हमने बार बार कीमतों को जोड़ दिया, लेकिन क्या प्रोडक्शन 24,000 का था, नहीं। ऐसे ही नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम ये समझ लो 12,000 करोड़ की, लेकिन शो कितने की होगी, 24,000 करोड़, जो वास्तव में तो है ही नहीं। जब वास्तव में नहीं है तो अगर मान लो जब हम गलत राष्ट्रीय आय निकाल दे, गलती से ज्यादा राष्ट्रीय आय निकाल दे, तो उससे बहुत सारी चीजों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ के आ जाएगी, जीडीपी बढ़ के आ जाएगी, तो ये चीजें गलत है। तो हमें जो राष्ट्रीय आय निकालनी है वो सही राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो इसीलिए हमें दोहरी गणना यानी कि डबल काउंटिंग से बचना है। तो राष्ट्रीय आय निकालते टाइम किसी भी वस्तु की कीमत को केवल कितनी बार शामिल करना है, एक बार शामिल करना है। तो दोहरी गणना क्या समझ में आ गया, दोहरी गणना का मतलब है किसी भी वस्तु की कीमत को दो या दो से ज्यादा बार राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाए, वही क्या कहलाएगी, दोहरी गणना कहलाएगी। अब इससे बचने के भी उपाय हैं, गवर्नमेंट यह चाहती है कि इससे बचा जाए, या सरकार ये चाहती है कि दोहरी गणना ना हो, दोहरी गणना से क्या होगा, ज्यादा इनकम आ जाएगी देश की। तो दोहरी गणना से बचने के दो उपाय है, या तो वो अंतिम उत्पाद विधि अपना ले या वो मूल्य वृद्धि विधि अपना ले, मूल्य वृद्धि विधि। दोहरी गणना से बचने के यही दो उपाय है, अंतिम उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, दोनों को समझा दो। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब है राष्ट्रीय आय में केवल उसी वैल्यू को शामिल की जाए जो लास्ट की हो, जैसे यहां मैं बोल रहा हूं इससे इसको इसके से, तो यहां लास्ट की वैल्यू 5,000 थी, सिर्फ 5,000 जोड़ो, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अंतिम उत्पाद विधि का मतलब है जो उत्पाद की अंतिम कीमत थी वो शामिल करो बस राष्ट्रीय आय में, इससे हम डबल काउंटिंग से बच सकते हैं। दूसरा है मूल्य वृद्धि, मूल्य वृद्धि विधि ये कहती है कि जहां भी जितने की मूल्य वृद्धि हो उससे राष्ट्रीय आय निकालो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 10,000 का वाला माल 9,000, या फिर मान लो यहाँ पे 1,000 की मूल्य वृद्धि है, यहाँ पे 4,000 की मूल्य वृद्धि है, देखा जा रहा है ना 5 से 9, 9 से 10, तो ये जो मूल्य वृद्धि है हर, जैसे यहाँ 1,000 की मूल्य वृद्धि हो गई, यहाँ पे 4,000 की हो गई, टोटल कितना हो गया 5,000 हो गया। तो अगर सिर्फ हर क्षेत्र की मूल्य वृद्धि को जोड़ा जाए तो भी हम जो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। तो दो टॉपिक है जिनसे हम दोहरी गणना से बच सकते हैं, पहला अंतिम उत्पाद मतलब लास्ट वाली कीमत को शामिल करो, दूसरा मूल्य वृद्धि मतलब हर बार डिफरेंस जो आ रहा है उसको शामिल करते जाओ, तो डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है।